नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी पैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के फोर्थ सेमेस्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ और कोल्ड वॉर का ओरिजिन कैसे हुआ, इस बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें डिटेल में समझ रखा है कि क्या क्या रीजंस थे और किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ओवरव्यू पढ़ लेंगे एक तरीके से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दोस्तों बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे पहले दो ग्रुप्स के बीच में हुआ। एक ग्रुप था एलाइड फोर्सेस और दूसरा एक्सिस पावर। दोस्तों एलाइड और एक्सिस दोनों ग्रुप्स थे। बात की जाए एलाइड की तो एलाइड के अंदर चार देश थे जो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और इसके अपोजिट जो दूसरा ग्रुप था जिसका नाम था एक्सिस पावर, जिसके अंदर तीन देश लीड कर रहे थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये देश ऐसे थे जो अपने अपने ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंगेज थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे दुनिया के देश शामिल थे, लेकिन मोटे तौर पर ये कुछ देश ऐसे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने अपने ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 तक, जो करीब 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा, जिसके अंदर बहुत सारी बर्बादी हुई। और फाइनली इसका जो एंडिंग थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो एक्सिस पावर के जितने भी देश थे वो सारे हार मान चुके थे या धीरे धीरे सरेंडर कर रहे थे। सिर्फ जापान बाकी था जो काफ़ी हद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ रहा था। और फाइनली हुआ क्या, 1945 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहरों के ऊपर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, मैंने क्या बताया आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, जिसके अंदर जापान जो था, जापान के दो शहर थे जो काफ़ी हद तक लड़ता हुआ आ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर लास्ट तक, और 6 और 9 अगस्त को अमेरिका की तरफ से दो परमाणु हथियार फेंके गए, दो बॉम्ब्स फेंके गए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। और इस तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतने लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा था उसका एंड हो गया दोस्तों। तो ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों ये कंट्रोवर्शियल एंडिंग थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, वहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अब समझने वाली बात ये थी कि जो अमेरिका ने ये दो एटम बॉम्ब्स जापान के दो शहरों के ऊपर डाले थे, उसके पीछे एक मोटिव था, एक बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो था वो काफ़ी अलग था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन जो है दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पावर्स डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और दुनिया के अंदर दो नई पावर्स इमर्ज होके आई, एक सोवियत यूनियन और दूसरी अमेरिका। तो ये दो सुपर पावर्स थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर इमर्ज होकर आई। और अमेरिका का जो पर्पस था जापान के दो शहरों के ऊपर एटम बॉम्ब्स को डालना, उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये था कि दुनिया के सभी देशों को और स्पेशली सोवियत यूनियन को, जो कि उसका एक राइवल था। राइवल कैसा था कि दुनिया के अंदर दो कॉम्पिटिटिव पावर्स निकल के आई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और अमेरिका पूरी दुनिया को साबित करना चाहता था कि दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड सिस्टम है उसका सुपर पावर दोस्तों अमेरिका है। तो ये सबसे बड़ा मकसद था और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई दोस्तों। तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद मैंने आपको बताया दो सुपर पावर्स निकल के आई और अब शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। इन दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था और वो कंपटीशन हर एक चीज़ का था, चाहे उनकी विचारधारा हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी हो, चाहे वेपन्स हो, चाहे उनकी सेना हो, चाहे उनके हथियार हो, हर एक चीज़ को लेके दुनिया की दोनों ही सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी को हम कोल्ड वॉर बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कोल्ड वॉर की तो एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, कोल्ड वॉर रेफर्स टू द कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया हर एक चीज़ का कॉम्पिटिशन और टेंशंस, द टेंशन ऑफ वॉर। तो कोल्ड वॉर रेफर्स टू द कॉम्पिटिशन, टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर बैक्ड देयर रेस्पेक्टिव अलाइज। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जो कोल्ड वॉर था वो आइडियोलॉजी को लेके था, वेपन्स को लेके था, अपनी सेना को लेके था, हर एक चीज़ का कॉम्पिटिशन था दोनों सुपर पावर्स का, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का, अपने आप को ऊँचा दिखाने का। उसके साथ साथ दुनिया के अंदर टेंशन का माहौल था कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है, कुछ भरोसा नहीं कि कौन सी सुपर पावर किसके ऊपर हमला कर दे। और तीसरी बात सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन, दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में बहुत सारे मौके ऐसे आए जब दोनों ही सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने थे,
लड़ाई के पूरे पूरे चांसेस थे। तो इस पूरे सिनेरियो को हम लोग समझते हैं कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर सिर्फ इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में तो था, और इनके साथ साथ जो जो भी देश इनको बैक कर रहे थे, जो जो भी छोटे देश इनके साथ जुड़े हुए थे, उनको लेकर भी कोल्ड वॉर पूरी तरीके से अपने चरम पर था दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो सत्ता के दो केंद्र थे, टू सेंटर्स ऑफ पावर थी, वो इमर्ज होकर आई थी। अभी मैंने आपको बताया एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, और इन दोनों की अपनी अपनी विचारधारा आई थी। अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म, और सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म। और दोनों ही देश, दोनों ही सुपर पावर्स दुनिया के जितने भी देश इमर्ज होकर आ रहे थे, जितने भी नए नए देश आज़ाद होकर आ रहे थे, उन सभी को प्रेशराइज कर रही थी। मतलब दुनिया उस वक्त कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया के ज़्यादातर जो देश थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे, आधे अमेरिका के साथ थे और आधे सोवियत यूनियन के साथ थे। और वो किसके बेसिस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। जिसको जिसकी विचारधारा ज़्यादा बेहतर लगती थी वो उस सुपर पावर के साथ जुड़ जाता था। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोप। यूरोप जो है उस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक ईस्टर्न अलायंस और एक वेस्टर्न अलायंस। इसका मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा है कि वेस्टर्न यूरोप के ज़्यादातर जो देश थे वो सारे अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, और उन सभी देशों ने कैपिटलिज्म को फॉलो कर रखा था, तो इसलिए इनका नाम हुआ वेस्टर्न अलायंस। और इसके अपोजिट में जो ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द यूरोप थी, उनके ज़्यादातर जो देश थे वो सारे सोवियत यूनियन के ग्रुप में थे, और सभी लोगों ने सोशलिज्म को अडॉप्ट कर रखा था। तो इस तरीके से दो ग्रुप्स बटे हुए थे, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर की। मिलिट्री फीचर्स की बात करें अगर, तो दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने अपने बड़े सैन्य संगठन, अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे थे। पहले बात करते हैं अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 1949 के अंदर हुई, और उस वक्त इसके अंदर करीब 12 देश थे, और अब तो करीब इसमें 30 से ज़्यादा देश हैं इसके अंदर। और इसके मोटिव की बात करें, नेटो का जो ग्रुप था उसको लीड अमेरिका कर रहा था, और बड़ा सिंपल सा मोटिव था कि 12 देशों में से अगर किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो उसका जवाब ये पूरा नेटो एक साथ 12 देश मिलकर देंगे। तो ये था नेटो। और अगर नेटो बनाया गया था तो कॉम्पिटिशन में अगला एक दूसरा ग्रुप बनाया गया सोवियत यूनियन की तरफ से, जिसका नाम था वॉरसो पैक्ट। वॉरसो पैक्ट की शुरुआत हुई 1955 में, और इसके अंदर उस वक्त करीब 15 देश इसके साथ जुड़े हुए थे, और इसको लीड करने वाला सोवियत यूनियन था। और इसका जो मोटिव था बड़ा सिंपल सा था, टू काउंटर द नेटो, नेटो का जवाब देना। तो ये थे दो सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको कोल्ड वॉर को समझाते हैं कि कोल्ड वॉर किस तरीके से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन अराइज करने के कगार पर था दोस्तों। दोस्तों अगले टॉपिक की बात करते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और ये कोल्ड वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात की जाए तो क्यूबा, सोवियत यूनियन और यूएसए, तीन देश इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और एक्चुअली क्यूबा जो था, क्यूबा वॉज द फॉलोवर ऑफ सोवियत यूनियन, क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन। क्यूबा एक ऐसा छोटा देश था जो सोवियत यूनियन का फॉलोवर था, और इसको हर एक तरीके की जो मदद थी, डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल, हर एक जो हेल्प थी उसको सोवियत यूनियन की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन क्यूबा जो ज्योग्राफिकली अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक था, तो सोवियत यूनियन को इस बात का पूरा डर था कि कहीं ऐसा ना हो अमेरिका क्यूबा के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा ना कर ले। तो इस बात को देखते हुए सोवियत यूनियन ने क्या किया, उसने डिसाइड किया टू कन्वर्ट द क्यूबा इनटू अ रशियन मिलिट्री बेस। उसने तय किया कि क्यूबा के को रशियन मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, इसका मतलब ये था कि सोवियत यूनियन ने अपने वेपन्स को, अपनी वॉरशिप्स को और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा के अंदर रखना शुरू कर दिया था। किस लिए? क्यूबा की रक्षा करने के लिए। तो सोवियत यूनियन की तरफ से जब ये तय हुआ कि सारे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स और आर्मी को वहाँ पे पुट किया गया, लॉन्च किया गया वेपन्स को क्यूबा के अंदर, तो इस तरीके से अमेरिका जो था वो सीधे टारगेट में था सोवियत यूनियन के। तो जैसे ही ये तय किया गया कि वेपन्स को रखा जाए, क्यूबा को रशियन मिलिट्री बेस में कन्वर्ट किया जाए, उसके बाद सीधे टारगेट में अमेरिका था, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका के ऊपर हमला करना बहुत ज़्यादा आसान था। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, तो जॉन एफ कैनेडी भी, अमेरिका भी सुपर पावर था, और वो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते थे जॉन एफ कैनेडी जिससे कि दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए, क्योंकि दोनों ही देश एक एग्जांपल देख चुके थे, जापान के अंदर जो डिस्ट्रक्शन था न्यूक्लियर वेपन्स का वो बहुत ज़्यादा था। तो दोनों ही देश इस काबिल या फिर इस स्थिति में, सिचुएशन में नहीं थे कि वो एक और न्यूक्लियर वॉर को अफोर्ड कर सके। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को ऑर्डर किया, जो जॉन एफ कैनेडी थे उन्होंने अपने वॉरशिप्स को ऑर्डर किया
क्यों ऑर्डर किया कि आप जाइए और सोवियत यूनियन से जो भी वॉरशिप्स आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए। कैनेडी ऑर्डर्ड द अमेरिकन वॉरशिप्स टू स्टॉप द वॉरशिप्स ऑफ द सोवियत यूनियन जस्ट टू शो देयर सीरियसनेस, अपनी गंभीरता को दिखाने के लिए, अपने इस बात को दिखाने के लिए इस मैटर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को भेजा और सोवियत यूनियन से जो भी वॉरशिप्स यहाँ पर लगातार आते जा रहे थे उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको रोकने के लिए। और फाइनली दोनों ही देशों ने अपनी समझदारी दिखाई और समझदारी दिखाने के बाद द वॉरशिप्स ऑफ बोथ द कंट्रीज टर्न्ड बैक। दोनों ही देशों के जो वॉरशिप्स थे वो आपसी सहमति के बाद अपने अपने देश में वापस आ गए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है कोल्ड वॉर के दौरान की दोस्तों। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा फोर्थ सेमेस्टर का, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।